फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए फिर कुछ प्लांट्स लेकर आई हूँ। चलिए देखते हैं आज मैं कौन से प्लांट्स लेकर आई हूँ। सबसे पहले मैं एक ये एक्जोरा लेकर आई हूँ, ऑरेंज कलर का। मेरे पास दो एक्जोरा पहले से हैं, एक पिंक है और एक वाइट है। ये कलर मुझे किसी नर्सरी पे नहीं मिला, तो ये मैं कल्याणपुर में एक नर्सरी है वहाँ से लेकर आई हूँ। तो ये मुझे मिला है 50 रुपीज़ का। 60 बोले थे उन्होंने, फिर मुझे वो 50 रुपीज़ में उन्होंने दे दिया है। तो प्लांट बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है, लेकिन देखिए कितनी सारी बर्ड्स आई हैं इसमें। तो जब ये एक साथ ब्लूम होंगी बहुत प्यारी लगेंगी। मुझे इसके सारे कलर्स कलेक्ट करने हैं, तो अभी ये मेरा तीसरा कलेक्शन है। तो देखिए इसकी लीव्स कितनी हेल्दी हैं, ब्लूम्स भी बहुत सारे हैं। रिपोर्ट करने के बाद मैं इसको आपके साथ शेयर करूंगी। नेक्स्ट मैंने एक ये अडेनियम का प्लांट लिया है। ये अभी इसमें कोई भी बर्ड्स नहीं है, ये एक छोटू सा प्लांट है पॉली बैग में। तो ये मुझे 35 का मिला, तो मैंने ये ले लिया। तो एक मैंने ये अडेनियम लिया है। इसके जो फ्लावर्स थे, इसका मदर प्लांट जो था वो पिंक और वाइट था, तो मैंने एक ये अडेनियम का प्लांट लिया है। अडेनियम मेरे पास नहीं है। नेक्स्ट मैंने ये सिंगोनियम लिया है। ये पिंक सिंगोनियम है। मेरे पास जो देसी वाला है वो सिंगोनियम है, जिसकी लीव्स बहुत बड़ी होती है। इसकी लीव्स देखिए, लीव्स छोटी हैं इसकी। इसमें पिंकिश कलर की ये लाइन है। तो ये एक पिंक सिंगोनियम मैंने लिया है। काफ़ी बुशी प्लांट है, बहुत हेल्दी है। तो एक प्लांट मैंने ये परचेस किया है, तो मैं रिपोर्टिंग के बाद इसका अपडेट आपके साथ शेयर करूंगी। ये प्लांट बहुत ही बुशी है। सिंगोनियम के साथ ही मैंने एक ये पॉट लिया है वाइट कलर का। ये 6 इंचेस पॉट होगा। तो इसका पैटर्न आप देखिए, बहुत ब्यूटीफुल है। तो ये मैंने एक पॉट लिया है जिसका प्राइस 40 रुपीज़ उन्होंने मुझे दिया है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। इसी में मैं इस प्लांट को रिपोर्ट करूँगी। नेक्स्ट मैंने ये दो कोलियस के प्लांट्स लिए हैं जो पॉली बैग में लगे हुए हैं। कोलियस के मेरे पास 4-5 प्लांट्स हैं। इस टाइम पे मेरे पास ये कोलियस की ये वैरायटी नहीं थी। इसकी ग्रीन कलर की लीव्स में रेड कलर की लाइंस हैं, तो ये पैटर्न मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कोलियस का मैंने एक ये शेड अपने गार्डन के लिए लिया है। तो मैं इस टाइम पे कोलियस कलेक्ट कर रही हूँ। तो एक कोलियस मैंने ये लिया है और एक कोलियस मैंने रिपोर्ट कर दिया है, जिसमें डार्क रेड कलर की, या आप कह सकते हैं पर्पल कलर की लीव्स हैं। तो इसका एक शेड मेरे पास और है, उसमें कॉर्नर में लाइंस हैं। शायद मैंने सेम कोलियस फिर से ले लिया है, लेकिन मैं भूल गई थी कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है या नहीं। तो मैंने एक कोलियस ये लिया है। तो मैंने ये दो कोलियस लिए हैं। मानसून में कोलियस अपने गार्डन में बहुत सारा कलर ऐड करता है, तो इसमें बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं। तो आप कोलियस को मानसून के लिए अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए। कटिंग से बहुत इजीली लग जाता है, तो कोलियस आप ज़रूर ऐड करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ कोलियस की सारी वैरायटी, जो कलेक्शन मेरे पास है, वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज की ये प्लांट शॉपिंग आपको कैसे लगी, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।